अस्सलाम वालेकुम, हम लोग जा रहे हैं अल रोमांसिया रेस्टोरेंट, वहाँ पे डिनर करेंगे आज और देखते हैं कि हमने डिनर में क्या ऑर्डर किया है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। हम लोग पहुंच चुके हैं अल रोमांसिया और सऊदी अरब में काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं इस रेस्टोरेंट की। इस तरह से इनके यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट हुआ हुआ है, इस तरह से छोटे छोटे केबिन से बने हुए हैं और ये जो है देखिए बाहर का व्यू है, ये हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं, वहाँ से बाहर इस तरह से नज़र आता है सामने, बहुत अच्छा व्यू लगता है, गाड़ियाँ आती जाती नज़र आती हैं और अंदर से जो है वो इस तरह के केबिन बने हुए हैं और मजलिस टाइप लगा रखा है, नीचे बैठ के खाने का इंतज़ाम है, काफ़ी खुला खुला है सब, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे इस्माइल ताहा जो है वो खाने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं और ये हम लोगों का खाना आ चुका है, तो इनके यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी ले आए थे ये लोग, जब हमने ऑर्डर किया था उससे 10-15 मिनट के अंदर ही खाना आ गया था सब। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कि हम लोगों ने क्या ऑर्डर किया था। तो हमने ऑर्डर किया था चिकन बिरयानी, ये थी 29 रियाल की और इसके साथ ही हमने किया था चिकन मदभी, ये था 24 रियाल्स का और किया था साथ में ये गौरसन कहते हैं इसको, ये 10 रियाल्स का था, ये वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके बनता है, ये भी काफ़ी अच्छा होता है। वहीं पे जूस की शॉप भी है उसके अंदर ही रेस्टोरेंट के, तो वहाँ से हमने जूस बनवाया था, हमने लिया था एवोकाडो का जूस और ऑरेंज जूस, तो वो भी बहुत टेस्टी थे दोनों। और जब हम लोग जा रहे थे यहाँ से वापस तो बाहर निकले तो ये देखा इस तरह से छोटा सा स्टॉल लगा रखा है इन लोगों ने, उसमें एसेसरीज़ मिल रही हैं और दूसरी तरफ ये नीचे एक अंकल बैठे थे जो इस तरह से तस्बीह और ये सब लेके बैठे हुए थे। बच्चों को ऑरेंज जूस पसंद है तो इन लोगों ने ऑरेंज जूस लिया था और हम लोगों ने एवोकाडो का जूस लिया था, एवोकाडो का जूस तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, कभी आप लोग जाइएगा तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस, हम लोग जाएंगे अब यहाँ से हाइपर पांडा, वहाँ से हम लोगों को कुछ ग्रॉसरी वगैरह करनी है तो वहाँ से ग्रॉसरी करेंगे उसके बाद घर जाएंगे। तो हम लोग पहुँच गए थे पांडा और हाइपर पांडा जो है वो यहाँ की सुपरमार्केट है जिसमें ग्रॉसरी से लेके हर चीज़ मिलती है, तो अंदर से तो मैं नहीं वीडियो बना पाई। अब हम लोगों ने ग्रॉसरी कर ली थी, अब हम जा रहे हैं वापस घर और रात के बज रहे हैं 11 और ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये किंग खालिद मॉस्क है, यहाँ की हमारे एरिया की सबसे बड़ी मस्जिद है ये और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है बाहर से भी और अंदर से भी, अक्सर ईद और बकरीद की नमाज़ पढ़ने के लिए यहीं पर आते हैं। इधर काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, काफ़ी बिज़ी थी और अब मैं कोशिश करूंगी कि इंशाल्लाह अब जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करूं, आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाऊं इंशाल्लाह। तो मिलती हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।